दोस्तों, भारंगी के बारे में तो आपने अवश्य ही सुना होगा। कई प्रकृति प्रेमी और आयुर्वेद के जानकार लोग इसे अवश्य ही जानते होंगे और कई लोगों ने तो अपने घरों के आसपास आंगन में इसे लगाया भी होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ये भारंगी का पौधा है। ये भारंगी का पौधा लगभग सारे भारतवर्ष में उत्पन्न होता है। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है। ये पौधा सीधा पड़ता है और लगभग 6 फीट तक ऊंचा होता है। दोस्तों, आयुर्वेद में भारंगी के कई प्रकार के औषधीय प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर श्वास रोग में ये विशेष रूप से उपयोगी होती है। भारंगी के पत्र ज्यादातर संधिवात, काश, कफज विकार, टीबी, पेट में पानी भर जाना और ज्वर को दूर करने में बहुत ही उपयोगी होता है। ज्यादातर ये जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके पत्र चमकीले और बालाकार होते हैं। ये 12 से 15 सेंटीमीटर तक लंबे और 5 से 7 सेंटीमीटर तक चौड़े होते हैं। इसके पुष्प सुंदर और पांडुर या नीले वर्ण के तथा बैंगनी, नील एवं श्वेत वर्ण के होते हैं। इसका संस्कृत नाम भारंगी, ब्राह्मणी, पद्मा, ब्राह्मणयष्टिका और अंगारवल्लरी तथा अंगार है। हिंदी तथा उर्दू में भारंगी से पहचानते हैं और उड़िया में चिंदा कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसका अंग्रेजी नाम सिरेट ग्लोरी बोवर और वैज्ञानिक नाम क्लेरोडेंड्रम सेरेंटम है। इसके गुणों की हम बात करें तो भारंगी सोथर, रक्तशोधक, कफवात शामक और दीपन होती है। ये श्वास, काश, सौप, व्रण, कृमि, दाह और ज्वर में लाभकारी होती है। इसके अलावा ये थोड़ी तीखी, कटु, दीपन, रुक्ष तथा गर्म प्रकृति की भी होती है। अगर सिर में दर्द हो रहा हो तो भारंगी के मूल को गर्म पानी में घिसकर लेप करने से सिर का दर्द दूर हो जाता है। इसके अलावा इसके पत्तों को पानी तथा तेल में उबालकर मलहम जैसा बनाकर लेप करने से भी सिर दर्द दूर हो जाता है। अगर आंखों के पलकों पर सूजन हो तो भारंगी के पत्तों को तेल में उबालकर पीसकर इसका लेप बनाकर पलकों के बाहर लगाना चाहिए। इस प्रयोग को करने से पलकों की सूजन उतर जाती है। दोस्तों, ये टीबी की सबसे बड़ी औषधि है। भारंगी के 1 ग्राम मूल के चूर्ण तथा इसके साथ 1 ग्राम सुंठी का चूर्ण गर्म जल के साथ खोलकर पिलाए। इस प्रयोग को रोजाना करने से टीबी खत्म हो जाता है। दोस्तों, भारंगी के मूल की छाल तथा सौंठ को समान मात्रा में लेकर चूर्ण बनाकर रखें और इस चूर्ण को 2 ग्राम की मात्रा में ले तथा गर्म पानी में घोलकर बार बार पिलाएं। इससे दमा और खांसी में शीघ्र लाभ मिलता है। अगर मरीज को श्वास का वेग ज्यादा हो तो भारंगी के मूल का रस 5 मिल की मात्रा में लेकर समान मात्रा में अदरक का रस मिलाकर पिला दे। इस प्रयोग को करने से तुरंत आराम हो जाता है। 1 ग्राम भारंगी मूल के चूर्ण के साथ 1 चम्मच मिश्री मिलाकर सुबह, दोपहर और शाम पानी के साथ लेने से हिचके में बड़ा फायदा होता है। दोस्तों, श्वास के रोगियों को भारंगी के सूक्ष्म चूर्ण के साथ असमान मात्रा में शहद और घी मिलाकर पिलाना चाहिए। इससे श्वास रोग ठीक होता है। अगर शहद 1 चम्मच हो तो घी 1/2 चम्मच की मात्रा में लेना चाहिए। दोस्तों, ज्वर में भी भारंगी बहुत फायदेमंद होती है। इसकी लगभग 5 ग्राम जड़ को लेकर इसका क्वाथ बनाना चाहिए और इस क्वाथ को सुबह शाम मरीज को पिलाने से ज्वर जल्दी ही छूट जाता है। दोस्तों, शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन होने पर भारंगी के 1 से 2 ग्राम बीजों के चूर्ण को घी में भूनकर खाने से सूजन उतर जाती है। भारंगी का पौधा त्वचा रोगों में भी अधिक फायदेमंद होता है। भारंगी के समस्त पौधे के पंचांग का रस निकाल कर घी में मिलाकर फोड़े पुंछियों पर लगाने से जल्दी ही आराम हो जाता है। भारंगी गठिया के दर्द में भी अधिक फायदेमंद होती है। गठिया के दर्द में भारंगी के मूल की छाल का क्वाथ बनाकर 10 से 20 मिली की मात्रा में पिलाना चाहिए। इस प्रयोग को रोजाना करने से जल्दी ही गठिया के दर्द से छुटकारा मिल जाता है।